दोस्तों, हमें या हमारे परिवारजनों को कभी कभी स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और हमारे पास हर पल उतना पैसा भी नहीं हुआ करता ताकि हम अच्छे से अच्छे प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज कर सके। दोस्तों, आप अगर दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं या फिर दिल्ली आने वाले हैं इलाज के लिए और आपको एक अच्छा सा गवर्नमेंट अस्पतालों की तलाश है, तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे दिल्ली में स्थित 5 सबसे अच्छे गवर्नमेंट अस्पतालों के बारे में। और दोस्तों, आप अगर इस चैनल पर नया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि लगातार आपको इस चैनल पर मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस मिलता रहेगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, हो सके आपके एक शेयर से किसी को एक नया जीवन मिल जाए। 5वां स्थान पर है लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल न्यू दिल्ली। यह अस्पताल दिल्ली गेट के निकट मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज कैंपस के पास स्थित है। इस अस्पताल को सन 1936 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय कारागार को अस्पताल में बदलकर इसका नाम रख दिया था इरविन हॉस्पिटल। फिर सन 1989 में भारत सरकार द्वारा इसका आधुनिकीकरण करके इसका नाम रखते हुए नाम रखा था लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल। जयप्रकाश नारायण श्रीवास्तव एक महान क्रांतिकारी थे और यह अस्पताल न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दिल्ली में स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल 1600 बेड्स, 100 आईसीयू बेड्स, 200 प्लस डॉक्टर को लेकर गायनाकोलॉजी, हड्डियां, दिल, किडनी, पाचन तंत्र का इलाज, मस्तिष्क रोग, हृदय रोग, दांतों का इलाज, आंखों का इलाज और बच्चों आदि का इलाज करते हुए दिल्ली में स्थित सारे सरकारी अस्पतालों में 5वां स्थान पर मौजूद है। 4था स्थान पर है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल न्यू दिल्ली। यह अस्पताल दिल्ली की गुरुद्वारा बंगला साहिब के पास स्थित है। इसी अस्पताल को ब्रिटिश सरकार ने सन 1932 में विलिंगडन नाम से 54 बेड वाला एक अस्पताल खोला था। फिर सन 1970 में भारत सरकार द्वारा इसको आधुनिकीकरण करके इसका नाम बदलकर नाम रखा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक महान क्रांतिकारी थे और यह अस्पताल न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अभी इस अस्पताल में 1500+ बेड्स, 200 आईसीयू बेड्स, 150+ डॉक्टर्स और 30 एकड़ में फैला यह अस्पताल सालाना 50,000 एडमिट मरीज, 15 लाख इमरजेंसी पेशेंट, 10,000 सीटी स्कैन पेशेंट, 2,000 एमआरआई, 2 लाख एक्सरे पेशेंट, 25,000 अल्ट्रासाउंड, 40,000 साधारण ऑपरेशन और 9,000 गंभीर ऑपरेशन करते हुए सालाना लगभग 12 लाख मरीजों की सेवा करते हैं। यह अस्पताल दिल्ली में स्थित सारे सरकारी अस्पतालों में 4थे स्थान पर मौजूद है। 3रे स्थान पर है जीबी पंत अस्पताल न्यू दिल्ली। यह अस्पताल दिल्ली की राजघाट में स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत एक महान क्रांतिकारी थे। हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। जीबी पंत अस्पताल को सन 1961 में स्थापित की गई थी और यह अस्पताल न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह अस्पताल 700+ बेड्स, 150 आईसीयू बेड्स, 200+ डॉक्टर को लेकर दिल, फेफड़े, लीवर, त्वचा संबंधी रोग, दांतों का इलाज, नेत्र रोग, किडनी, ब्रेन, गैस्ट्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक एवं बच्चों आदि का सारे इलाज करते हुए दिल्ली में स्थित सारे सरकारी अस्पतालों में 3रे स्थान पर मौजूद है। 2रे स्थान पर है सफदरजंग अस्पताल न्यू दिल्ली। यह अस्पताल दिल्ली की अंसारी नगर में एम्स मेट्रो स्टेशन के पास स्थित है। इस अस्पताल को ब्रिटिश सरकार ने दूसरा विश्व युद्ध में जख्मी सैनिकों के इलाज के लिए सन 1939 में बनवाया था। देश आजाद होने के बाद भारत सरकार ने इसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस करके नाम रखा सफदरजंग अस्पताल। यह अस्पताल न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सफदरजंग अस्पताल 1500+ बेड्स, 190 आईसीयू बेड्स, 400+ डॉक्टर्स और 47 एकड़ में फैला यह अस्पताल हृदय रोग, त्वचा संबंधी रोग, अंतर रोग, नाक कान गले की ट्रीटमेंट एवं सर्जरी, गायनाकोलॉजी, गुर्दे का सर्जरी, फेफड़े का इलाज, पाचन तंत्र का इलाज, हड्डियों का इलाज एवं सर्जरी, गैस्ट्रोलॉजी एवं डायबिटीज और बच्चों आदि का उत्तम रूप से ट्रीटमेंट करते हुए दिल्ली में स्थित सारे सरकारी अस्पतालों में 2रे स्थान पर मौजूद है। 1 स्थान पर है एम्स न्यू दिल्ली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। यह अस्पताल दिल्ली की अंसारी नगर में स्थित है। इस अस्पताल को सन 1956 में स्थापित की गई थी। तत्कालीन भारत सरकार का जितने भी अच्छे काम थे उनमें से एम्स की स्थापना भी एक है और यह अस्पताल न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एम्स के देश भर में कई शाखाएं मौजूद हैं, पर दिल्ली अंसारी नगर में स्थित ब्रांच एम्स का हेडक्वार्टर है। दिल्ली में स्थित एम्स 2300 बेड्स, 800+ हाई क्वालिफाइड डॉक्टर्स, 10,000 स्टाफ, 50 डिपार्टमेंट, 500+ आईसीयू बेड्स को लेकर दिन में 2400 घंटा सेवा करते हुए हृदय रोग, लीवर ट्रीटमेंट और सर्जरी, गुर्दे का ट्रीटमेंट और सर्जरी, त्वचा संबंधी रोग, नाक कान गले की ट्रीटमेंट और सर्जरी, गायनाकोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, मस्तिष्क रोग, आंखों का इलाज और सर्जरी,
फेफड़े का इलाज, जोरों और मांसपेशियों का दर्द का इलाज, गैस्ट्रोलॉजी, डायबिटीज, हड्डियों का इलाज और सर्जरी एवं बच्चों आदि का सारे बीमारियों का उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज करते हुए दिल्ली में स्थित सारे गवर्नमेंट अस्पतालों में और पूरा देश का सारे अस्पतालों में नंबर वन स्थान पर मौजूद है। दोस्तों, आपको ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आपका कोई सवाल या अपना बात रखना है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर रखा करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।